नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी ठीक रात के 8 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। यानी कोविड के बढ़ते संक्रमण के बाद जो एक रोक लगाई गई है कि 8 बजे तक ही आप अपने प्रतिष्ठानों को खुला रखेंगे, उस हिसाब से हजारीबाग ने इसका पालन किया है। और झंडा चौक जो अति व्यस्त इलाका होता है, चौराहा है, शहर की जान ये चौराहा माना जाता है, यहाँ आप अंदाजा लगे जो लोग हैं वो अब यहाँ से जाने के लिए तत्पर है। केवल एक दुकान आपके यहाँ खुली दिख रही है जो शराब की एक दुकान है और इस शराब के ग्राहक नहीं है दुकान में। अब अभी जैसे ही उधर कैमरे लगे हैं तो अब वो जल्दी जल्दी बंद होने के कगार पे है और कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो खुली दुकान की तरफ जा रहे हैं, शायद अब बंद कराए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति भी अब बढ़ती जा रही है कि 8 बजे के बाद आपको अपने दुकान प्रतिष्ठान बंद कर देने हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 8 बजे के बाद ये दुकान खुली थी और इस दुकान खुलने के बाद अब इसे बंद किया जा रहा है। सबकी दुकान बंद हो रही है, सबके रहने का प्रोसेसर आदमी बंद करो जल्दी। क्या क्या कारण था, क्यों भीड़ ज्यादा था? ट्रैफिक में जो है 8 बजे ये हुआ है कि सब दुकान बंद कर रहे हैं और उधर से बंद कराते हुए हम लोग आ रहे हैं और ये अभी तक खुले हुआ है, कहा जा रहा है बंद करते। तो आप देख रहे हैं ये सख्ती है कि 8 बजे अगर नियम है तो 8 बजे आपकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। और जो पुलिस के लोग हैं वो बहुत दूर से दुकानों को बंद कराते हुए आ रहे थे, लेकिन ये शराब की दुकान यहाँ खुली थी इसे अभी इसे बंद कराया गया है। तो ये शहर का बीच चौराहा की जो ये चौराहा झंडा चौक, यहाँ की स्थिति यही है कि यहाँ अब एक भी दुकानें आपको खुली हुई नहीं दिख रही होंगी। तो पहले ही दिन जब से ये नियम आया है, जब से ये लागू हुआ है, हजारीबाग में इसका पालन किया जा रहा है और जहाँ एक का दुकानें खुली थी उसे भी जो पुलिस के लोग हैं वो बंद करवा रहे हैं। विस्मय अलंकार, लगातार .in। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।